फिल्म की शुरुआत अंटार्कटिका के एक शहर से होती है, जहां कॉर्ड कंपनी की सीईओ विक्टोरिया साइट विजिट करने आई होती है ताकि देख सके ये काम कैसा चल रहा है। दरअसल विक्टोरिया और उसकी कंपनी एलियन प्लैनेट से गिरे एक स्पीयर की खुदाई कर रहे हैं, जिसके अंदर बीटल की एक प्रजाति स्कैरब जैसा दिखाई देने वाला आर्टिफैक्ट मौजूद है। और ये आर्टिफैक्ट धरती से नहीं बल्कि एलियन के एक प्लैनेट से आया है जो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए विक्टोरिया किसी भी हाल में उस आर्टिफैक्ट को प्राप्त करना चाहती है। अब अगले सीन में हम जेमी को देखते हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके अपने शहर वापस आ जाता है, जहां उसका परिवार उसे एयरपोर्ट पर लेने भी आता है, जिन्हें देखकर जेमी काफी खुश होता है। पर इसके बाद जब सभी खाना खाने एक होटल में आते हैं, तब जेमी के पिता उसे बताते हैं कि कॉर्ड कंपनी धीरे धीरे पूरे शहर पर अपना कब्जा करते जा रही है, जिससे उन्होंने हमारी दुकान को भी तोड़वा दिया। अब हमारे घर में कमाने वाली सिर्फ तुम्हारी बहन लीजा ही है, जिसी टेंशन के कारण तुम्हारी माँ को दिल का दौरा भी पड़ा था, जो जानकर जेमी परेशान हो जाता है। पर वो अपने माता पिता से वादा करता है कि अपनी डिग्री से हुई एक अच्छी नौकरी करके सारी परेशानी को खत्म कर देगा और अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करेगा। लेकिन काफी दिन तक ढूंढने के बाद भी जेमी को कोई नौकरी नहीं मिलती, इसलिए फिर मजबूरन उसे लीजा के साथ विक्टोरिया के घर की सफाई का काम करना पड़ता है, क्योंकि वो भी विक्टोरिया के घर में एक नौकर है। और अब बेचारा जेमी भी डिग्री वाला नौकर बन चुका है। दूसरी तरफ विक्टोरिया से मिलने उसकी भतीजी जेनी आती है, जो उसे सवाल करती है कि स्कैरब के इस प्रोजेक्ट को मेरे माता पिता ने बंद कर दिया था, तो आखिर आपने इस प्रोजेक्ट को फिर से क्यों शुरू किया। दरअसल स्कैरब आर्टिफैक्ट काफी समय पहले भी धरती पर दिखाई दिया था, जिस पर जेनी के पिता टॉम ने काफी रिसर्च की थी, और रिसर्च से उन्हें ये पता चला कि स्कैरब किसी भी इंसान को अपना होश चुनकर उसे एक आर्मर दे सकता है, और ये आर्मर इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा कि उसके जरिए वो इंसान पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर सकता है, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए टॉम ने भी ठीक वैसा ही आर्मर बनाने की कोशिश की, लेकिन तब उन्हें समझ आ गया कि अगर स्कैरब किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो दुनिया में तबाही आ सकती है। लेकिन इसके लिए वो कुछ कर पाते अचानक ही वो गायब हो गए। वहीं अब विक्टोरिया जेनी से कहती कि तुम्हारे पिता के गायब होने के बाद मैंने इस कंपनी को संभाला है, इसलिए अब से जो भी होगा वो मेरी मर्जी से होगा, जो सारी चीजें दूर से जेमी सुन लेता है, जो अब जेनी का ही सपोर्ट करते हुए विक्टोरिया को ही सुनाने लगता है, जो सुनकर विक्टोरिया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है कि एक नौकर की इतनी औकात कि वो उससे जबान लड़ाए, इसलिए वो जेमी के साथ साथ लीजा को भी नौकरी से बाहर कर देती है, जो देखकर जेनी को काफी बुरा लगता है। इसलिए फिर वो जेमी को अपना नंबर देते हुए कहती है कि अगर मुझे तुम्हारे लायक कोई नौकरी मिली तो मैं तुम्हें वहाँ लगवा दूंगी। अब अपने वादा के मुताबिक अगले दिन जेनी इंटरव्यू के लिए जेमी को कॉर्ड कंपनी बुलाती है, इसीलिए जेमी पूरी तैयारी के साथ उस कंपनी में आता है। वहीं दूसरी तरफ जेनी चुपके से लैब में घुसकर उस कैरप को चुरा लेती है, जिसे वो बर्गर के डब्बे में छुपाकर वहां से ले जाने लगती है। लेकिन जब वहां बैठे आदमी को उस कैरप कहीं दिखाई नहीं देता तो वो सिक्योरिटी से कहकर सारे दरवाजे बंद करवा देता है, जो देखकर जेनी तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है। पर जब जेमी की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसे रोककर इंटरव्यू के बारे में पूछता है, लेकिन तब जेनी बर्गर का डब्बा उसे ही थमाकर अभी के लिए उसे वहां से भगा देती है। अब घर आने के बाद जब जेमी उस डब्बे को खोलता है तो उसके अंदर वही स्कैरब होता है, जिसे सभी खिलौना समझकर खेलने लगते हैं। लेकिन जैसे वो जेमी के हाथ लगता है वो स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है, और फिर जेमी को अपना होश चुनते हुए सीधे उसके पीठ में ही चिपक जाता है, और फिर देखते ही देखते जेमी बड़े ही खौफनाक तरीके से ब्लू बीटल में बदल जाता है, क्योंकि उस स्कैरब ने अपना आर्मर जेमी को दे दिया था। साथ ही ये वही आर्मर है जिसकी रिसर्च टॉम ने की थी। इसके बाद अब वो आर्मर अपनी ताकत दिखाने के लिए जेमी को कुछ ही सेकंड में सीधे स्पेस में ले जाता है, और वहां से डायरेक्ट समुद्र की सतह पर ऐसे ही वो उसे अलग अलग जगह घुमाने लगता है, जो देखकर जेमी एकदम हैरान था कि ये कौन सी मुसीबत उसके गले पड़ गई है। तभी अचानक से उसके सामने एक बस आ जाती है, तब वो आर्मर बस को खतरा समझकर अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर लेता है, जिससे बस दो टुकड़ों में बट जाती है। अब ऐसी दुनिया घूमने के बाद जेमी सीधे अपने घर लौट आता है, जहां अब तक आर्मर भी डीएक्टिवेट हो चुका था, लेकिन वो अब भी जेमी की रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है ताकि जेमी जब चाहे उसे एक्टिवेट कर सके। पर इससे वो एकदम परेशान होता है कि आखिर ये चीज क्या है और क्यों उसकी पीठ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी बात का पता लगाने के लिए वो तुरंत जेनी के पास आता है, जहां कुछ लोग जेनी पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जो देखकर जेमी जैसे तैसे उसे बचाकर वहां से ले जाता है।
अब घर आने के बाद जेनी सभी को बताती कि ऐसा स्कैरब मेरे पिता को भी मिला था जो अपनी होश को खुद चुनता है और जिसे वो चुन ले वो उसकी पीठ से जाकर चिपक जाता है, जिससे वो इंसान जब चाहे उसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पर अगर इसे निकालना है तो हमें कोर टावर जाना होगा जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी जेमी वहाँ जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया अपने साइबोर्ग साथी मैक्स को धमकी देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे किसी भी हाल में वो स्कैरब चाहिए, अगर तुम उसे लाने में सफल नहीं हुए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, इसलिए तुरंत जाओ और वो स्कैरब मुझे ला कर दो। वहीं जेनी और बाकी कोर टावर पहुंच चुके थे, इसलिए जेमी के अंकल रूबी सबसे पहले सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लेते हैं, तो वहीं जेनी कोर टावर में रखे अपने पिता की एडवांस घड़ी को चुरा लेती है। पर इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाते मैक्स वहां कर उनका रास्ता रोक लेता है, तब उसे सामने देखकर जेमी का आर्मर एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए मैक्स भी पूरे साइबोर्ग रूप में बदलकर अपना भी आर्मर एक्टिवेट कर लेता है जो स्कैरब की आर्मर का एक प्रोटोटाइप था और ये भी ब्लू बीटल आर्मर की तरह काफी शक्तिशाली है। आप देखते ही देखते उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है जो काफी जबरदस्त होती है, लेकिन जेमी का आर्मर उसके ऊपर ही हावी होने लगता है क्योंकि वो जेमी की किसी भी बात को ना मानते हुए उल्टा वो करता है जो उसे ठीक लगता है। पर अब जैसी वो मैथ की हालत खराब करके उसकी जान लेने वाला होता है तभी वहाँ रूडी और बाकी आ जाते हैं जो देखकर मैक्स उन पर ही हमला कर देता है, और जब जेमी उन्हें बचाने बढ़ता है तब मैक्स जेमी से फिर से लड़ना शुरू कर देता है और इस बार वो जेमी पर भारी पड़ जाता है, जो देखकर अब रूडी जेमी को बचाने के लिए अपना सीसीटीवी हैकिंग डिवाइस मैक्स के ऊपर फेंक देता है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है और तब मौका देख सभी वहां से भाग निकलते हैं। आप कोर टावर से निकलने के बाद जेनी सभी को अपने पुराने घर लेकर आती है और वहां आकर वो उस घड़ी की मदद से एक सीक्रेट लैब को ओपन करती है जहां उन्हें टॉम द्वारा बनाए गए दो और आर्मर दिखाई देते है। जेनी उन्हें बताती है कि स्कैरब असल में खाजीरा नाम की एलियन सिविलाइजेशन की शक्तियों से बना है जो मीटियोर के जरिए धरती पर आया था, और तब ये चीज डैन नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट में मिली जिसे उस स्कैरब ने अपना होश चुनकर उन्हें आर्मर की शक्ति दे दी, और उनके मरने के बाद वो स्कैरब मेरे माता पिता को मिला क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पर उस स्कैरब ने मेरे माता पिता को अपना होश नहीं चुना, इसलिए उन्होंने उस पर रिसर्च की और फिर वैसी एक आर्मर बनाया जिसे पहनकर वो लोगों की मदद किया करते थे, इसलिए दुनिया उन्हें ब्लू बीटल के नाम से जानती थी। पर एक दिन अचानक ही वो कहीं गायब हो गए और आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद अब रूडी सिस्टम में चेक करके उन्हें बताता है कि ये स्कैरब ऐसे नहीं निकल सकता, ये तभी निकल सकता है जब जेमी की मृत्यु होगी, जो जानकर जेमी एकदम गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे सुपर हीरो के झमेले में नहीं पड़ना था। तभी उसे कोर कंपनी का हेलीकॉप्टर उसके घर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है जहां पहुंचने के बाद उसे कई सारे सोल्जर्स उसके परिवार को बंदी बनाए हुए दिखाई देते हैं और फिर जेमी को देखकर वो उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते है, लेकिन आर्मर के कारण उसे एक भी गोली नहीं लगती, जो देखकर सभी उसके परिवार को शूट करने की कोशिश करते है। इसीलिए अब जेमी अपने सेफ्टी डिवाइस से उन्हें बचाते हुए सभी पर हमला कर देता है, लेकिन इसमें उसके पिता काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और अब जैसे ही वो उनके पास जाने वाला होता है मैक्स एक अजीब गन की मदद से जेमी पर फायर कर देता है जिसके अंदर से किसी तरह का डिवाइस निकलकर जेमी को पूरी तरह से जकड़ लेता है जिसके सामने उसकी आर्मर की शक्ति भी नहीं टिक पाती। साथ ही उसके पिता बुरी तरह से घायल होने के कारण वहीं अपना दम तोड़ देते हैं, जो देखकर वो एकदम भावुक हो जाता है, और इससे पहले कि वो अपने पिता को आखिर बार देख पाता विक्टोरिया और मैक्स वहां आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहां जाते वो जेमी के घर को भी आग लगा देते हैं। अब अगले दिन जेनी जेमी के परिवार वालों को अपने लैब में लेकर आती है जहां वो उनसे कहती कि हमें कैसे भी करके जल्दी जेमी को बचाना होगा वरना वो सभी उसे मार कर उसके शरीर से ब्लू बीटल को निकाल लेंगे। इसीलिए अब जेनी जेमी के परिवार के साथ अपने पिता द्वारा बनाए गए सवारी में होकर जेमी को बचाने निकल पड़ते है। इधर विक्टोरिया जेमी को एक अजीब डिवाइस से बांध देती है जो उसकी सारी शक्तियों को मैक्स के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है, लेकिन ये प्रोसेस जेमी के लिए इतना दर्दनाक होता है कि वो अधमरा हालत में पहुंच जाता है।
तब उस हालत में उसे उसके पिता दिखाई देते जो उसे कहते कि मेरी मृत्यु का जिम्मेदार खुद को कभी मत मानना, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं तो नहीं बच पाया लेकिन तुम्हें अपने परिवार को और इस दुनिया को विक्टोरिया से बचाना होगा और ये तुम ब्लू बीटल बनकर ही कर सकते हो। जो समझने के बाद अब जेमी एकदम भावुक हो जाता है और अब वो हिम्मत करके अपनी शक्तियों को फिर से अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मैट को इतनी शक्तियां मिल चुकी थी जिससे वो पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाता है। दूसरी तरफ रूडी एक धमाके के साथ जेनी की सवारी को उस जगह पर लैंड कराता है जहां जेमी को बंदी बनाकर रखा गया था। इसलिए जेनी और लीजा वहां से तुरंत उस मशीन के नीचे आ जाते हैं जो जेमी की शक्तियां मैक्स के अंदर डाल रही थी, जो देख कर जेनी और लीजा तुरंत वहां पर बॉम्ब फायर कर देते और फिर एक जोरदार धमाके के साथ उसे बर्बाद कर देते जिससे जेमी मशीन से आजाद हो जाता है। लेकिन उसका आर्मर इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि अभी उसकी शक्तियां निकली थी, इसे एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तब तक जेमी को अपने दम पर सारे सोल्जर से लड़ना होगा। तभी वहाँ कई सारे सोल्जर्स आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाते सही समय पर जेमी की दादी वहाँ जाती है जो एक सुपर दादी बनते हुए मशीन गन से सभी सोल्जर्स को भून देती है, जिसके बाद वो जेमी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद अब जैसे ही जेमी का आर्मर एक्टिवेट होता है वो सबसे पहले मैक से लड़ने जाता है और इस बार फिर से दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है जहां जेमी अपनी आर्मर की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा लेता है जिसके सामने मैक की शक्तियां टिक नहीं पाती, लेकिन जैसे वो उसकी जान लेने वाला होता है आर्मर जेमी को मैक्स के पास के बारे में बताता है कि कैसे विक्टोरिया ने मैक्स के माता पिता को मारकर उसे टेस्ट सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया और अपना प्रोटोटाइप आर्मर हमेशा के लिए उसके शरीर में लगा दिया, जिस बात से मैक्स भी अनजान है। उसे लगता है कि विक्टोरिया उसकी मदद कर रही है पर सच्चाई कुछ और है। तब ये जानकर जेमी उसे छोड़ देता है और अब जब ये सच्चाई मैक्स को पता चलती है तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है, जो अब अपने गुस्से के क्रोध में विक्टोरिया के पास आकर अपना आर्मर विस्फोट कर लेता है जिससे दोनों ही मारे जाते हैं। लेकिन तब तक जेमी और बाकी वहां से निकल जाते हैं। आ विक्टोरिया के मरने के बाद कॉर्ड कंपनी जेनी के हाथों में आ जाती है जहां वो मीडिया से ये कहती है कि स्कैरे प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके साथ ही जेनी और जेमी दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पर अब मूवी के क्रेडिट सीन में जेनी के पिता के लैब में रखा कंप्यूटर अपनी आप ही चालू हो जाता है जिसमे से टॉम कहते है कि मेरी बेटी को बता देना उसके पिता अब भी जीवित है, जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।